अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। अभी आपको खबर देंगे, तौहीन अदालत केस में सदर मुल्तान बार के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर बलूचिस्तान के वकला भी इजहार यकजहती करते हुए अदालतों का बॉयकॉट कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम खान, बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और वकला की स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? आज ही मुल्तान में वकला पर तशद्दुद और साथी वकला से इजहार यकजहती के लिए बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने आज अदालती बायकॉट का ऐलान किया है और आज बलूचिस्तान की आला और मातहत अदालतों में वकला पेश नहीं हो रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान हाईकोर्ट के सामने, यहाँ पर भी वकला पेश नहीं हो रहे। इसके अलावा जिली जो कचहरी है उसमें भी वकला आज पेश नहीं हो रहे। और जो वकला तंजीमों हैं उनका ये कहना है कि मुल्तान में जो वकला पर तशद्दुद किया गया वो उसकी मजम्मत करते हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामले का नोटिस लें और इसमें मुदाखलत करके फैसला करें। दूसरी जानब यहाँ बलूचिस्तान में जो बायकॉट किया गया है उसकी वजह से साइलीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पड़ रहा है। कोटा समेत बलूचिस्तान भर से यहाँ साइलीन आते हैं अपनी पेशियों के लिए और जब वकला की जानिब से हड़ताल की जाती है तो उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आज भी यही सूरत हाल है कि बलूचिस्तान भर से जो दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलीन हैं उनकी पेशियाँ मुलतवी हो गई हैं जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आसिम खान।